ये मेरा मायका है, राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है। इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं। अर्जुन भी बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी, ताई की पार्टी, मेरी कहाँ भाई पार्टी, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है, बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ, पार्टी मेरी नहीं हो सकती। सर्व लेटेस्ट अपडेट मिळवण्यासाठी आजच सकाळचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। मुझे ये 31 मई 2014 आज भी याद है, जिस दिन महादेव जानकर जी का कार्यक्रम था और वो चौंडी में था और उसके लिए मुंडे साहब आए थे, और उस दिन वो बहुत खुश थे। मंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में एक ही कार्यक्रम उनका हुआ, और कोई कार्यक्रम ही नहीं हो पाया। भगवान ने उतना हमें दिया ही नहीं मौका। तो महादेव जानकर जी से इतना प्यार था कि एक ही कार्यक्रम हुआ वो भी उनका ही हुआ, और उस सभा में उन्होंने कहा कि मेरा वारिस महादेव जानकर है, पंकज जी को प्रॉपर्टी मत मांगो जानकर साहब, पर राजकीय पूरा मेरा वारिस आप है। ये प्यार उन्होंने दिया, क्यों दिया? क्योंकि एक बच्चा लड़का जो गरीब घर में पैदा हुआ है, सपना देखता है इस देश का नेतृत्व करने का, क्या बुरा है? हमारा भी तो नेता ऐसा ही है। हमारे नेता एक चाय वाले के घर में पैदा हुए, खुद चाय बेचते बेचते बने कि नहीं देश के प्रधानमंत्री, क्या बुरी बात है? हमें या तो पिता सपना देखना सिखाता है या नेता सपना देखता है। मेरे पिता ने भी मुझे यही सपना दिखाया कि बड़ा सपना देखो, छोटे लोगों के लिए, अपने बड़प्पन के लिए नहीं। और आज मुंडे साहब का सपना है कि महादेव जानकर एक नहीं हजार बने, महादेव जानकर जैसे नेता बने जो हजार नेताओं को बनाए। और मैं तो उनसे लड़ती रहती हूँ, मेरा आधा ध्यान तो राष्ट्रीय समाज पक्ष के ऊपर ही है। आपने ये क्यों नहीं बोला, आपने वो क्यों नहीं बोला, आप यहाँ प्रेस लो, आप यहाँ जाओ, मैं तो रोज उनको बोलती रहती हूँ। वो बोल रहे हैं मैं लड़ती रहती हूँ, सही है कि मेरे लिए तो ये मेरा मायका है, राष्ट्रीय समाज पक्ष भी तो मेरा मायका है, मेरे भाई का घर है। इधर पिता से लड़ाई हो गई तो भाई के घर में भी जा सकते हैं अर्जुन भी। तो ये जो है ये सही है। वो बोल रहे थे बीजेपी ने ये किया वो किया, बीजेपी आपकी पार्टी, ताई की पार्टी, मेरी कहाँ भाई पार्टी, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी मेरी थोड़ी है, बीजेपी बहुत बड़ी है, मैं बीजेपी की हूँ, बीजेपी पार्टी की हूँ, पार्टी मेरी नहीं हो सकती क्योंकि बड़ी पार्टी है। पर जरूर जब मुंडे साहब थे तब छोटे छोटे तबकों पर काम करने वाले लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया और एक ताकत बनाई, एक मुट्ठी बनाई, तभी तो सरकार का मुंह देख पाए। ये इतना आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं था। MLA और MP बनाने वाला कारखाना मुंडे साहब को कहते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं कि जो महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।